हेलो फ्रेंड्स, मैं अतुल द्विवेदी एक बार फिर से स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल बाइनरी ट्यूब प्रयागराज में। तो दोस्तों, हम लोग का ऑपरेटिंग सिस्टम एंड हो चुका है। नेक्स्ट चैप्टर हम लोग का चैप्टर 3, और चैप्टर का नाम है वर्ड प्रोसेसिंग यूजिंग एमएस वर्ड। इट मीन्स अब हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं एमएस ऑफिस को। इसमें हम लोग एमएस ऑफिस के 3 सॉफ्टवेयर के बारे में पढ़ते हैं, जिसमें आपका पहला है एमएस वर्ड, दूसरा है आपका एमएस एक्सेल, जिसको हम लोग स्प्रेडशीट के भी नाम से जानते हैं, तीसरा है आपका पावर पॉइंट। तो आइए बात कर लेते हैं। सबसे पहले एमएस वर्ड का पूरा नाम क्या है? तो एमएस वर्ड का पूरा नाम है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड क्यों कहा जाता है? क्योंकि इसको माइक्रोसॉफ्ट एक कंपनी है, उसने बनाया है, और इसलिए उसका नाम क्या है? एमएस वर्ड। अब हम लोग जो काम करने वाले हैं, वो हम लोग का कंप्लीट वर्क जो होने वाला है वर्ड की प्रोसेसिंग पे। किस पे बात करने वाले हैं? वर्ड की प्रोसेसिंग। इट मीन्स जो आप क्या करते हो, किसी बुक को प्रिपेयर करते हो, किसी बुक की फॉर्मेटिंग करते हो, तो वहां उस बुक में क्या होता है? वर्ड होता है, और उसी वर्ड को हम लोग डिफरेंट डिफरेंट फॉर्मेट में कई अलग अलग चीजों का यूज करके एक बुक को या कोई भी डॉक्यूमेंटेशन का वर्क होता है, तो हम लोग एमएस वर्ड पे इजिली करते हैं। तो यहाँ पे हम लोग एमएस वर्ड का यूज करके वर्ड प्रोसेसिंग करने वाले हैं। तो आइए बात करते हैं हम लोग, जो हम लोग का एमएस वर्ड ओपन होता है वो कैसे ओपन होता है, या फिर यहाँ पे हम लोग एमएस वर्ड को कैसे कैसे कितने रूल के अकॉर्डिंग ओपन कर सकते हैं। तो एमएस वर्ड को ओपन करने का आपका 2 रूल होता है। एक तो हम लोग डायरेक्टली नॉर्मली ओपन कर लेते हैं, स्टार्ट बटन पे क्लिक करना होता है, या फिर आपको विंडोज बटन क्लिक करना होता है। आप कीबोर्ड से विंडोज बटन क्लिक करें या माउस से, आपके जो सिस्टम पे स्क्रीन पे एक आइकन बना रहता है स्टार्ट बटन का, आप वहां पे क्लिक करके एमएस वर्ड को सर्च करके ओपन कर सकते हैं, या फिर वहां पे एमएस ऑफिस के अंदर जाके एमएस वर्ड को ओपन कर सकते हैं। दूसरा दूसरा टाइप हम लोग का, सेकंड टाइप एमएस वर्ड को ओपन करने का, रन कमांड। रन कमांड के थ्रू भी हम लोग किसी भी सॉफ्टवेयर को ओपन कर सकते हैं, लेकिन उसका एक फिक्स कमांड होता है, जिसको लिखने पर, जिसको राइट करने पर ही वो सॉफ्टवेयर ओपन होता है। तो रन कमांड का यूज करने के लिए हम लोग यूज करते हैं विंडोज की +R। क्या प्रेस करते हैं हम लोग? विंडोज की +R। विंडोज की आपको आपके लैपटॉप में मिल जाती है, पहले आप विंडो की को प्रेस कर लीजिए, उसके बाद R प्रेस करिए, तो आपके सामने एक स्क्रीन ओपन होके आएगी। वहां पे आपको एक ब्लैंक बॉक्स मिलेगा। अब उस ब्लैंक बॉक्स में आपको लिखना है विन वर्ड। ध्यान दीजिएगा इस बात को, क्या लिखना है वहां पे? विन वर्ड। यहाँ पे अगर किसी भी स्पेलिंग को आप इधर का उधर करते हैं या कुछ भी मिस करते हैं, तो वहां पे वो एमएस वर्ड, इट मीन्स जो हम लोग का वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर एमएस वर्ड है, वो ओपन होने वाला नहीं है। तो आपको एग्जैक्टली यही वर्ड ही लिखना है, या यही इस वर्ड की एग्जैक्ट यही मीनिंग ही लिखनी है। जैसे ही आप इसको टाइप करते हैं, तो आपको एक सिंबल के बारे में पता होगा, इस सिंबल का नाम है इंटर। क्या कहते हैं इसको? इंटर के नाम से जानते हैं। तो आपको इंटर करना है, जैसे आप इंटर करेंगे आपका एमएस वर्ड ओपन हो जाएगा। यहां तक तो बात हुई आपके एमएस वर्ड को ओपन करने की। अब जैसे ही आपका एमएस वर्ड ओपन होगा, तो आपके सामने एक स्क्रीन भी ओपन हो जाएगी। क्या होगी? एक स्क्रीन ओपन हो जाएगी, तो कुछ इसी तरीके की वो स्क्रीन होगी। अब इसको थोड़ा सा हम लोग इस स्क्रीन पे डिस्कस कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे यहाँ पे नीचे वाली स्क्रीन की। नीचे वाली स्क्रीन की, जैसा कि अभी हम लोगों ने लास्ट क्लास में डिस्कस किया है ऑपरेटिंग सिस्टम में, तो वहां पे हम लोग क्या कहते थे उसको? टास्क बार, या फिर टास्क व्यू। जहां पे आपके टास्क चल रहे होते हैं, वो सॉफ्टवेयर दिखते हैं, उसको हम लोग टास्क बार या टास्क व्यू कहते हैं। तो ये जो सबसे नीचे वाली लाइन है, हम लोग इसको टास्क बार के नाम से जानते हैं। क्या कहते हैं इसको? ध्यान दीजिएगा, क्या कहते हैं इसको? टास्क बार। अब बात करें यहाँ पे टास्क बार का मतलब क्या होता है, तो जैसे आपके फोन में भी होता है, आपका कोई भी एप्लीकेशन, कोई भी सॉफ्टवेयर अगर ओपन किए रहते हैं वहां पे, तो आपके रिसेंट में सारा कुछ दिख रहा होता है। तो वही बात आती है यहाँ पे टास्क बार की। तो आपके टास्क बार में जो एप्लीकेशन, जो सॉफ्टवेयर दिखने वाले हैं, वो वही दिखेंगे जो आपके ओपन है, या फिर आपने
जिस सॉफ्टवेयर जिस एप्लीकेशन को पिन किया है टास्क बार में, यही दोनों सॉफ्टवेयर आपको यहाँ पे दिखते हैं। आप किसी भी सॉफ्टवेयर को इजिली यहाँ पे पिन कर सकते हैं, और अगर टास्क बार में किसी सॉफ्टवेयर को आप पिन किए हैं तो आपका वो सॉफ्टवेयर एक सिंगल क्लिक में ओपन हो जाएगा। लेकिन आप सिस्टम में जाके अंदर से करते हैं, इट मीन्स विंडोज की को प्रेस करके करते हैं, स्टार्ट बटन को क्लिक करके अंदर जाके करते हैं, वहां पे एक सिंगल क्लिक या डबल क्लिक करने पे ओपन होता है, लेकिन यहाँ पे आपके स्क्रीन पे ही वो चीजें मिल जाती हैं। अब यहाँ पे आपका होता है स्टार्ट बटन, तो स्टार्ट बटन तो हर किसी को दिख जाता है, आप उसकी पिक्चर के बारे में भी जानते हैं। और यहाँ पे आपका, जैसा कि हम लोग पढ़ चुके हैं, डेट एंड टाइम, नेटवर्क, वाईफाई, माइक, ये सारी चीजें आपको यहाँ पे स्क्रीन के लास्ट में यहाँ पे दिखती हैं। और ये जो टास्क बार की बातें हम लोग कर रहे हैं, ये सारे सॉफ्टवेयर में सेम होगा, हर किसी सॉफ्टवेयर में ये टास्क बार आपको मिलेगा, और यही सारी चीजें जो आपने पहले से यहाँ पे रखी है, जो ओपन किया है, वो सब में दिखेगा। अब चलते हैं हम लोग अपने टॉप वाले लेयर की ओर। इस टॉप वाले लेयर को हम लोग टाइटल बार के नाम से जानते हैं। क्या कहते हैं इसको? टाइटल बार। इट मींस ये कौन सा बार है, वो वाला बार मत समझिएगा, ये अपने सर वाला बार नहीं समझना आपको, ये आपके टाइटल वाला बार है। इट मींस इस सॉफ्टवेयर का जो टाइटल होगा यहीं पे होता है, इसीलिए इसको हम लोग टाइटल बार के नाम से जानते हैं। बाई डिफॉल्ट एमएस वर्ड का जो टाइटल होता है वो क्या होता है? डॉक्यूमेंट वन। ध्यान दीजिएगा इस बात को, एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि बाई डिफॉल्ट एमएस वर्ड का टाइटल क्या होता है, तो आपको क्या टिक करना है? डॉक्यूमेंट वन। क्या टिक करना है? डॉक्यूमेंट वन। मेंशन कर दीजिएगा कमेंट में कि क्या टिक करना है। उसके बाद अब हम लोग बात करते हैं, तो यहाँ पे जो आपका एमएस वर्ड है वो 2007 हो या 2003 हो या 2012 हो, यहाँ पे आपको इस वर्जन वाले एमएस वर्ड के सॉफ्टवेयर में आपको एक की मिलती है, यहाँ पे एक बटन मिलता है, इस बटन को हम लोग ऑफिस बटन के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? ऑफिस बटन। अब बात करें यहाँ पे, जैसे किसी भी संस्था की कोई ऑफिस होती है तो वहां पे क्या होता है, उस ऑफिस में वो सारी चीजें होती हैं जो उस संस्था में हो रहा होता है। इट मीन सारा रिकॉर्ड, सारा डिटेल आपके ऑफिस बटन पे, इट मीन हम कह सकते हैं वो उसका हेडक्वार्टर है, वहीं पे उससे रिलेटेड सारी इंफॉर्मेशन हम एक्सेस कर सकते हैं। तो यहाँ पे आपको जो सबसे पहली बटन मिलने वाली है लेफ्ट टॉप में एमएस वर्ड सॉफ्टवेयर को ओपन करने पे, वो कौन सी बटन है? ऑफिस बटन है। उसके बाद इसके जस्ट राइट साइड आपको मिलेगा, यहाँ पे कई की मिल जाती हैं, जैसे एग्जाम्पल में अंडू, रीडू, और एक बटन हम एग्जाम्पल में सेव का ले लेते हैं। तो यहां से यहां तक का ये जो एरिया है इसको हम लोग क्या कहते हैं? क्विक एक्सेस टूल बार। क्या नाम है इसका? क्विक एक्सेस टूल बार। मतलब कि सीधा सा है, यहाँ पे आपके जो भी बटन, जो भी आइकन दिख रहे हैं, इनको आप अपने अकॉर्डिंग कस्टमाइज कर सकते हैं। करेंगे कैसे? तो यहाँ पे आपको छोटी सी बटन मिल जाएगी एरो की, उस पर क्लिक करके आपके कई सारे ऑप्शन दिख जाते हैं, आप उनको एक्टिव कर दीजिए, टिक कर दीजिए, तो वो यहाँ पे ऑटोमेटिक ऐड हो जाएंगे। अब इसकी जरूरत क्यों पड़ी? तो कुछ चीजें होती हैं जो हमको ज्यादा जरूरत पड़ती है, तो उसको हम लोग यहाँ पे रख लेते हैं, और जब भी जरूरत पड़ती है उसको आसानी से यूज कर लेते हैं। फिर उसके जस्ट साइड में आपका क्या होता है? टाइटल होता है। किसका टाइटल होता है? जो भी सॉफ्टवेयर ओपन रहता है। फिर नेक्स्ट पे जाते हैं तो हम लोग को यहाँ पे तीन बटन मिलती हैं। कितनी बटन होती हैं? तीन बटन। और इन तीनों बटन को हम लोग कंट्रोल बटन के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? कंट्रोल बटन। ध्यान दीजिएगा इस बात को, ये चीजें आपके सारे सॉफ्टवेयर में सेम मिलने वाली है एज इट इज। तो कंट्रोल बटन कितनी होती? तीन होती। पहले वाले का सिंबल क्या होता है? माइनस होता है। तो इसका नाम क्या होता है? हो सकता है कुछ लोगों को पता हो, तो इसका नाम होता है मिनिमाइज। क्या कहते हैं इसको? मिनिमाइज। दूसरे वाले को कहते हैं मैक्सिमाइज, और थर्ड वाले को हम लोग कहते हैं क्लोज या कट। अब कंट्रोल बटन की बात करें तो यहां पे कंट्रोल बटन का मतलब यहां पे ये तीनों बटन से रिलेटेड है, आपका कोई इंडिविजुअल एक बटन है बल्कि तीनों बटन है, तो इनको हम क्या कहते हैं? कंट्रोल बटन कहते हैं। अब बात करते हैं एमएस वर्ड के एक्सटेंशन की, एमएस वर्ड के फाइल की, फॉर्मेट की। तो एमएस वर्ड का जो एक्सटेंशन होता है वो क्या होता है?
नोट डाउन कर लीजिएगा, कर लीजिएगा कॉपी में। एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, डायरेक्टली पूछ लिया जाता है एमएस वर्ड का एक्सटेंशन क्या होता है या फिर 2007 एमएस वर्ड का एक्सटेंशन क्या होता है। तो अभी आपका जो लेटेस्ट में चल रहा है वो शायद 2022 भी आ गया है, लेकिन हम लोग जो यूज कर रहे हैं 2019 स्टूडेंट है, उस एमएस वर्ड का एक्सटेंशन, उस एमएस वर्ड का फाइल एक्सटेंशन है आपका .docx। लेकिन इसके पहले जो सॉफ्टवेयर आए हैं एमएस वर्ड के, उसका एक्सटेंशन है .doc। कोई भी एक्सटेंशन होता है, कोई भी फाइल का फॉर्मेट होता है, तो वो स्टार्ट होता है डॉट से, और डॉट और उस एक्सटेंशन के नेम के बीच में कोई भी गैप, कोई भी स्पेस नहीं होता, इस बात का ध्यान रखिएगा। और आपको, आप जब फाइल को सेव करते हैं तो आपको एक्सटेंशन लिखने की जरूरत नहीं होती, आप जिस सॉफ्टवेयर पे काम करते हैं वो ऑटोमेटिक उसको एक्सेस एक्सेप्ट कर लेता है। तो नोट कर लीजिएगा आपके एमएस वर्ड का एक्सटेंशन क्या होता है। आइए चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। तो यहाँ पे भी एक सेक्शन डिवाइड होता है, इसको हम लोग कहते हैं मेनू बार। क्या कहते हैं? मेनू बार। अब अलग अलग मेनू होते हैं, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल आपका हो गया होम, इंसर्ट, उसके बाद आपका हो गया जैसे मेलिंग, रेफरेंस, व्यू, ऐसे आपके अलग अलग मेनू डिवाइड होते हैं। अब बात करते हैं एग्जाम में जो क्वेश्चन आता है वहां पे इसी मेनू को ऐड कर दिया जाता है टैब के साथ, मतलब कि आप कभी भी इसको पढ़ेंगे तो इसका जो नाम होगा वो होगा होम टैब, नेक्स्ट वाले का क्या होगा इंसर्ट टैब, उसके बाद जो भी मेनू का नाम होगा उसके नाम के साथ हम टैब वर्ड जोड़ देंगे, देन उसी का वो पूरा नाम होगा। अगर यहाँ पे बात करें नेक्स्ट वाले का मेलिंग का, तो उसका क्या नाम होगा मेलिंग टैब। अब इन्हीं टैब से रिलेटेड एक लाइन बनी होती है जिसको हम लोग रिबन के नाम से जानते हैं। इट मींस होम टैब पे अब क्या होगा, जैसे आप होम टैब पे क्लिक करेंगे तो कई सारे ऑप्शन यहाँ पे आपके ओपन हो जाएंगे, तो वो ऑप्शन जो होगा वो होम टैब का होगा। सारी चीजें कैटेगराइज हुई हैं, इट मींस अलग अलग कैटेगरी में रखी गई हैं। जैसे आप किसी शॉप पे जाते हो तो अलग अलग शॉप पे अलग अलग चीजें आपको मिलती हैं। अब मेडिकल वाले शॉप पे जाएंगे तो आपको वहां पे दवाइयां मिलेंगी, आप किराने वाले स्टोर पे जाएंगे तो वहां पे आपको आपके घर पे यूज होने वाली चीजें वो सारी मिलेंगी। तो वैसे यहाँ पे क्या होता है, आपके जो टैब अलग अलग डिवाइड है वो अलग अलग कैटेगरी, अलग अलग कैटेगराइज हुए हैं, उनसे रिलेटेड वो सारी चीजें यहाँ पे आपको मिलती हैं। तो उस टैब से जुड़ा हुआ, जब टैब पे क्लिक करेंगे तो उससे जुड़ा हुआ एक रिबन ओपन होगा, और उस रिबन में अलग अलग ब्लॉक होगा। क्या होगा उस रिबन में? अलग अलग ब्लॉक होगा। फिर इसी ब्लॉक में आपके कई सारे आइकन मिलते हैं, और यही आइकन से हमें कुछ काम करवाना होता है। तो हर ब्लॉक का अपना एक नाम होता है, हर ब्लॉक अपना अलग अलग एरिया कवर करता है। फिर उस ब्लॉक में क्या होता है, उसके आइकन होते हैं। फिर नेक्स्ट वाले लाइन पे आते हैं तो यहाँ पे आपको क्या मिल जाता है, रूलर मिल जाता है। इसको क्या कहते हैं, रूलर। रूलर मतलब, अब थोड़ा सा और डिटेल में चलते हैं। जैसे क्या होता है, आप एक कॉपी लेते हैं, आप कॉपी लेते हैं तो उसके अंदर कई सारे ब्लैंक पेज मिलते हैं, और उस कॉपी में लिखने पढ़ने के लिए हमें कई सारे टूल्स की जरूरत पड़ती है। अब वहां पे बात करें टूल्स का मतलब, तो पेंसिल, पेन, इरेजर, शॉर्पनर, इसके लिए सारे क्या है, कॉपी में यूज होने वाले टूल हैं। तो यहाँ पे एमएस वर्ड क्या है, एक डॉक्यूमेंटेशन सॉफ्टवेयर है, वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर है। वहां पे हम लोग क्या करते हैं, कुछ लिखना पढ़ना होता है तो वहां पे कुछ भी राइट करने के लिए, कोई भी डॉक्यूमेंटेशन का काम करने के लिए टूल्स की जरूरत पड़ेगी। तो वहां पे ये सारे आपको जो आइकन की बात की जा रही है वो सारे क्या है, आपके टूल है। तो जहाँ जो हम लोग का स्केल होता है उसी स्केल को यहाँ पे हम लोग रूलर के नाम से जानते हैं। उसके बाद आपको यहाँ पे लेफ्ट में मिल जाएगा स्क्रॉल बार, लेफ्ट में आपको क्या मिलेगा, स्क्रॉल बार। उसके बाद यहाँ पे आपको लास्ट में मिलता है जिसका नाम होता है स्टेटस बार। क्या कहते हैं इसको, स्टेटस बार। कौन सा स्टेटस होगा, व्हाट्सएप वाला। कौन सा स्टेटस होगा, फेसबुक की जो स्टोरी लगती है वो वाला स्टेटस होगा। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, यहाँ पे जो आपको स्टेटस मिलने वाला है स्टेटस बार में, वो आपके एमएस वर्ड से रिलेटेड होगा। इट मींस
कितने वर्ड्स आपने अपने एमएस वर्ड के डॉक्यूमेंटेशन में, डॉक्यूमेंट में या एमएस वर्ड के पेज में आपने लिखा है, कितना पेज आपने यूज किया है, या फिर और सारी चीजें आपको स्टेटस में दिखती हैं, जैसे आपने कितना परसेंट उसको जूम किया है। उसके बाद आपको यहाँ पे भी ये स्क्रॉल बार मिल जाता है। अब दोनों साइड स्क्रॉल बार की जरूरत क्यों पड़ी, क्योंकि कभी कभी क्या होता है आपका, अब आपका एक पेज तो होगा नहीं, कई सारे पेज होंगे, तो नेक्स्ट वाले पेज पे जाने के लिए हम लोग स्क्रॉल बार का ही यूज करते हैं, या फिर क्या हुआ कि आपका एक ही पेज है, आपने उसको ज्यादा जूम कर लिया है, तो ज्यादा जूम करने पे क्या होता है, उसका कंटेंट और स्क्रीन के अंदर हो जाता है, तो उस पूरे कंटेंट को देखने के लिए हम लोग क्या करते हैं, स्क्रॉल बार का यूज करते हैं, उसके बाद उस कंटेंट को हम लोग इजिली देख पाते हैं। उसके बाद ये बची हुई एरिया हम लोग की जो है, इसी को हम लोग वर्किंग एरिया कहते हैं, जहां पे हम लोग कुछ भी लिख रहे होते हैं, कुछ भी फॉर्मेटिंग कर रहे होते हैं। तो ये तो बात था हम लोग के एमएस वर्ड की जो पहली वाली स्क्रीन होती है उसकी बात थी। अब आइए चलते हैं हम लोग सबसे पहले डिस्कस कर लेते हैं कंट्रोल बटन पे, क्योंकि कंट्रोल बटन क्या होती है, हर किसी में सेम होती है और हर किसी सॉफ्टवेयर में उसका सेम वर्क होता है। तो पहली वाली जो कंट्रोल बटन है उसका नाम क्या है, मिनिमाइज बटन। दूसरे वाले का क्या नाम है, मैक्सिमाइज बटन। तीसरे वाले का क्या नाम है, क्लोज या कट बटन। अब बात करते हैं मिनिमाइज बटन की। तो मिनिमाइज बटन क्या करता है, आप जब भी कभी मिनिमाइज करेंगे तो ये इसको उस सॉफ्टवेयर, सॉरी उस आपके लैपटॉप से, उस आपके मॉनिटर से, इट मीन्स आपके कंप्यूटर के होम स्क्रीन से रिमूव करके सिर्फ ला के रख देगा, कहाँ पे, टास्क बार में। टास्क बार में तो वो इजिली स्टार्ट जैसे ही करते हैं आप, वो ओपन हो जाता है, लेकिन आप मिनिमाइज कर देते हैं तो वो सिर्फ टास्क बार में रहता है, आपके इस होम स्क्रीन पे, आपके इस डेस्कटॉप स्क्रीन पे शो नहीं करता है। उसके बाद आप वापस से ओपन करते हैं तो यहाँ पे आप जैसे ही क्लिक करेंगे अपने उस सॉफ्टवेयर पे, तो फिर से वो उसी पोजीशन पे ओपन हो जाएगा, उस पर कोई भी चेंजिंग आपको नहीं दिखेगी, मतलब कि वो कंप्लीटली क्लोज या कट नहीं होगा। नेक्स्ट ऑप्शन क्या है, मैक्सिमाइज। मैक्सिमाइज का मतलब ये है, आपकी जो स्क्रीन है उसकी साइज के अकॉर्डिंग क्या होता है, मैक्सिमाइज फंक्शन पे बटन पे जैसे क्लिक करते हैं तो आपका सॉफ्टवेयर कितना भी छोटा ओपन हो, जैसे ही आप उस पर क्लिक करते हैं वो आपके स्क्रीन के अकॉर्डिंग उस सॉफ्टवेयर को फिट कर देता है। नेक्स्ट ऑप्शन आपका है क्लोज या कट। अब जैसे ही आप क्लोज या कट पे क्लिक करते हैं और आपकी फाइल सेव नहीं हुई है तो आपके सामने एक डायलॉग बॉक्स ओपन होता है, जहां पे आपको तीन ऑप्शन मिलते हैं। पहला ऑप्शन आपको मिलेगा सेव का, दूसरा ऑप्शन मिलेगा डू नॉट सेव का, तीसरा ऑप्शन मिलेगा आपको कैंसिल का। तो तीनों के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। तो मान लीजिए आप कोई काम कर रहे हैं और गलती से आप क्लोज पे क्लिक कर दिए, अब आपका इंपॉर्टेंट वर्क था, तो अगर आप क्लोज करते ये ऑप्शन ना होता तो क्या होता, वो सॉफ्टवेयर क्लोज हो जाता, आपका लिखा हुआ मैटर भी क्या होता, लॉस्ट हो जाता। तो यहाँ पे आपको एक फंक्शन प्रोवाइड किया गया है, जैसे आप क्लोज या कट बटन पे क्लिक करते हैं तो आपके सामने एक नया डायलॉग बॉक्स ओपन होगा, जहां पे आपको तीन ऑप्शन मिलते हैं। पहला ऑप्शन सेव का है, तो यदि आप सेव करते हैं तो वो क्या होगा, आपके सिस्टम में सेव होगा। अब यहाँ पे बात करें हम, बाय डिफॉल्ट कोई भी फाइल कहाँ पे सेव होती है, तो ध्यान दीजिएगा आपके डॉक्यूमेंट फोल्डर में। कहाँ पे सेव होती है, डॉक्यूमेंट फोल्डर में। कोई सिर्फ इसी सॉफ्टवेयर की बात नहीं कर रहे, किसी भी सॉफ्टवेयर को आप ओपन करके अगर काम कर रहे होते हैं तो बाय डिफॉल्ट वो डॉक्यूमेंट वाले फोल्डर में सेव होता है। तो जैसे ही आप सेव करते हैं तो वहां पे आपको दो चीजें मिलती हैं, पहला पार्ट होता है आपका फाइल का नाम होता है, और आपका दूसरा पार्ट होता है फाइल का एक्सटेंशन, FE शॉर्ट में लिख देता हूं मैं, फाइल का एक्सटेंशन यानी फाइल का फॉर्मेट। तो ये आपको लिखने की जरूरत नहीं होती, ये ऑटोमेटिक वो सॉफ्टवेयर एक्सेप्ट कर लेता है, लेकिन आपको फाइल का नाम लिखना होता है। मान लीजिए आप नहीं लिखते हैं तो बाय डिफॉल्ट वो फाइल का नाम भी अपने से एक्सेप्ट कर लेता है। वो फाइल का नाम क्या होगा, तो आपका जो स्टार्टिंग कंटेंट होगा आपके एमएस वर्ड पेज में, वही उसके फाइल का नाम हो जाएगा। तो कोई भी फाइल यदि आप सेव करते हैं तो बाय डिफॉल्ट वो डॉक्यूमेंट वाले फोल्डर में सेव होता है। अगर आप उसके अलावा कहीं सेव करना चाहते हैं तो आप अपने सिस्टम में उस पाथ को, उस डेस्टिनेशन को सिलेक्ट करिए और अपने फाइल का नाम दीजिए, देन वो फाइल सेव हो जाएगी, और फाइल सेव होने के जस्ट बाद ये सॉफ्टवेयर भी क्लोज हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा इस बात को कि क्लोज करने पे क्या होगा, सेव के साथ साथ वो सॉफ्टवेयर भी क्लोज हो जाएगा। अब मान लीजिए वो फाइल आप नहीं सेव करना चाहते तो आप डू नॉट सेव कर दीजिए, ना ही वो फाइल सेव होगी,
सॉरी वो फाइल तो सेव नहीं होगी लेकिन आपका सॉफ्टवेयर क्लोज हो जाएगा। नेक्स्ट एंड लास्ट ऑप्शन आपका कैंसिल है, तो कैंसिल क्या करेगा, कैंसिल सिर्फ ये वाला जो डायलॉग बॉक्स ओपन है इसको क्लोज कर देगा, इट मींस कैंसिल कर देगा। और कैंसिल किया मतलब कि आपने जहां आप जहां पे थे पहले उसी सेम डेस्टिनेशन पे उसी सेम इनिशियल पोजिशन पे पहुंच जाएंगे। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों यहां तक का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे, अपने ऑफिस बटन से स्टार्ट करेंगे। और यहाँ पे आपको एक एक चीज बहुत आसानी से समझ में आएंगी, अगर आपको कोई भी डाउट होता है तो आप पूछ सकते हैं। इस बात को मैं बार बार रिपीट करता हूँ कि कोई भी डाउट हो तो आप पूछ सकते हैं, आप कमेंट सेक्शन में भी पूछ सकते हैं। और आपको अगर वीडियो पसंद आ रही हो तो एक कमेंट जरूर करिएगा, मतलब आप ये जरूर बताइएगा, हम भी मोटिवेट होते हैं जिससे कि आपको और अलग तरीके पढ़ाया जा सके, टीचिंग की जा सके। तो यहाँ पे हम लोग एक एक आइकन के बारे में बहुत डीपली डिस्कस करने वाले हैं, नेक्स्ट क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे। यहाँ से स्टार्ट करते हैं हम लोग अपने ऑफिस बटन से, तो ऑफिस बटन में क्या क्या चीजें होती हैं, कैसे होती हैं, हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। और दोस्तों यदि आप हमारे चैनल पे न्यू हैं तो चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए। थैंक यू।